पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने प्रदेश की राजधानी में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों को अमृत सम्मान दिया। राजधानी के होटल गोमती में आयोजित अमृत सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पत्रकारों और अधिकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर बोलते हुए श्री सहगल ने UPWJU के इस प्रयास को सराहते हुए कहा कि आजादी के बाद से 75 सालों में अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले पत्रकारों और अधिकारियों का सम्मान गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से भावी पीढ़ी को एक संदेश भी मिलता है। अध्यक्ष TV सिंह ने कहा कि अमृत सम्मान की परिकल्पना उन वरिष्ठ और युवा पत्रकारों के साथ अधिकारियों के काम का सम्मान है जिन्होंने जन सरोकारों में अपने सेवाकाल को खपाया और लगन के साथ देश निर्माण का काम किया। उन्होंने कहा कि अमृत सम्मान के लिए आज चयनित पत्रकारों और अधिकारियों के कामों को जनता के बीच पहले से सम्मान मिलता रहा है। UPWJU के अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी के बाद अब आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में इस तरह के सम्मान दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों और अधिकारियों को भी अमृत सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष और मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। लोक सेवक के रूप में उनको अगर सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान मिलता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अभीष्ट कदम है और होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 60 साल की उम्र तक जब तक आप सेवा काल में रहते हैं आपको आपके कार्यों का आपके उत्तरदायित्व निर्वहन का जो सफल योगदान है शायद उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जिंदगी भर भले कोई अफसर रहे उसकी कम इज्जत करो लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़्यादा इज्जत करो। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन TV सिंह जी को एक नई परंपरा शुरू की। मैं सोचता हूँ कि इसको आइंदा ज़्यादा बृहद स्तर पर किया जाए और इसका संदेश क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, क्या है शॉल वाला सम्मान क्या है, इसके पीछे का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है और जो मकसद है उसका जो विस्तार मिलेगा मुझे लगता है उसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और नई पीढ़ी के अफसरों में नई पीढ़ी के पत्रकारों में उनकी कार्य क्षमता के उन्नयन में इस तरह के कदम बड़े सार्थक साबित होंगे। बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही अगर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या आप इजाजत देंगे? इजाजत देने का मतलब क्या आप समय देंगे? उन्होंने मना नहीं किया, तुरंत कह दिया हाँ। तो एक तरफ से उन्होंने पहला उत्साह और दूसरा ये था कि मैंने सोचा कि इसको किसको सम्मान किया जाए। मेरे दिमाग में जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है, जो हमारी पत्रकारिता की पुरोधा हैं, उनसे बात की जाए, सब लोग तैयार हुए, एक स्वर में सब लोगों ने हाँ कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरा मनोबल ये लोग ही उड़ा रहे। और उसके बाद भी मैंने कुछ अधिकारियों से बात की, उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिलता रहा। पहले ही सहयोग मिलता रहा, ड्राइविंग के बाद भी हमारे साथ में इतना लय से लय मिला के चलते हैं बेचारे, हर समय फोन करते रहते हैं, हालचाल लेते रहते। तो ये एक पारिवारिक का बहुत संक्षिप्त आयोजन था, लेकिन दिमाग में अचानक ये बात आई तो हमने कहा इसको थोड़ा सा सर से एक बार बात करके अगर ये मूर्त रूप दे देते हैं, नहीं ओके है तो मैं कर देता हूँ। और कल सर का रात 11 बजे ही ओके हुआ है कि मैं 4 बजे आ पाऊँगा, वही आधे घंटे। तो ये छोटा सा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को हम बृहद रूप से आप क्योंकि ये कार्यक्रम चलेगा आज़ादी के महोत्सव अमृत महोत्सव साल भर चलता रहेगा। मेरा ये मानना है कि भाई इसको जिले में जा करके मंडल मुख्यालय पर यदि इस कार्यक्रम का ऐसे ही क्योंकि मंडल के जितने अधिकारी होंगे और बड़े सरकार होंगे इसको हम पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर ही इसको आयोजित करने का प्लान बना चुके। पब्लिक TV आपकी आवाज़।